यूनिट का प्रोडक्ट ने बेंच इंडेक्स को बीट किया निफ्टी को सेंसेक्स को भाई आप प्रोडक्ट लेके जाओ या प्रोडक्ट का कॉम्बो लेके जाओ फाइन व्हाट इज द रिटर्न क्लाइंट जब पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे जो एक इंश्योरेंस एडवाइजर को मालूम होना चाहिए स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सौ बार एक किसी आदमी को बोलो यार तुम बेवकूफ हो तुम बेवकूफ हो तुम बेवकूफ हो कमर्शियल रियल एस्टेट गिव्स मोर रिटर्न ऐसा कहते हैं कि समय के साथ हमें बदलते रहना चाहिए अगर हम समय के साथ बदलते नहीं हैं तो समय हमें बहुत पीछे छोड़कर बहुत आगे चला जाता है आज के इस एपिसोड का नाम है बदलाव और इस एपिसोड में हमारे साथ में जुड़े हैं एल के वन ऑफ द टॉप डेवलपमेंट ऑफिसर जिन्होंने अभी वी ले ली है इनका नाम है मिस्टर अनिल झा अनिल झा जी ने एल के साथ में थर्टी सेवन काम किया अब इन सैंतीस सालों का उनका जो तजुर्बा रहा है उस तजुर्बे से हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कुछ जानने की कोशिश करेंगे मिलते हैं अनिल झा जी से अनिल जी बी आई में आपका बहुत बहुत स्वागत थैंक यू जी थैंक यू सो मच थैंक यू अनिल जी आपका ये जो 37 इयर्स का तजुर्बा रहा तजुर्बा तो बहुत लोगों का होता है लेकिन ये जो आपका एक्सपीरियंस रहा वो भी एक कामयाब और बहुत ज़्यादा कामयाब डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में रहा है और जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है इस वीडियो का बदलाव तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इन सैंतीस सालों में आपने कई सारे बदलाव देखे होंगे वो उनमें से अगर कोई मेजर बदलाव एक्सपीरियंस के तौर पर हमारे सामने रखकर आप हमें ये बताएंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट में क्या बदलाव आने वाले हैं जो आपको महसूस होता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख पाते हैं आम इंसान नहीं देख पाता तो आपकी नज़र से मार्केट में एजेंट्स को दिमाग में रखकर जो लोग काम कर रहे हैं hmm. उनके काम को दिमाग में रखकर एजेंट्स को दिमाग में रखकर उनके भविष्य को दिमाग में रखकर ऐसे कौन से बदलाव उन्हें जानने की जरूरत है जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है नाउ कमिंग टू एडवाइजर्स इंश्योरेंस एडवाइजर्स यूनिट मैनेजर्स बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स सीनियर बिजनेस एसोसिएट्स डेवलपमेंट ऑफिसर्स ऑफ एल और अलग अलग प्राइवेट कंपनीज में अलग अलग नाम है एल uh, आई में उसको डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं बाग सीनियर बिजनेस एसोसिएट बोलते हैं प्राइवेट कंपनीज वाले उनको यूनिट मैनेजर बोलते होंगे बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बोलते होंगे लीडर्स बोलते होंगे टर्मिनोलॉजी और नॉमेंट क्लेचर में भी डिफरेंट बट दी अंडरलाइनिंग जॉब रिमेंस द सेम और द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमेंस द सेम अब ये लोगों को क्या करना चाहिए कि घिसा पिटा वो जो तरीका है ना इंश्योरेंस बेचने का सर इस प्लान के साथ उस प्लान और मैं ये बार बार बोलता हूँ ना सी कि ये जो घिसा पिटा तरीका है सर ये प्लान ले लो उस प्लान के साथ इस कॉम्बो बना के दे दो सर मैं आज आपके लिए यूनिक कॉम्बो लेके आया हूँ भाई आप प्रोडक्ट लेके जाओ या प्रोडक्ट का कॉम्बो लेके जाओ फाइन वॉट इज द रिटर्न क्लाइंट जब पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे नेट रिटर्न मुझे कितना मिल रहा है तो आप कॉम्बो लेके जाओ या प्रोडक्ट लेके जाओ पहले हम सिर्फ प्रोडक्ट की बात करते थे अभी ट्रेनर लोगों को मैं सुनता हूँ आज मैं दस यूनिक कॉम्बो लेके आया आऊँ आज मैं दो यूनिक कॉम्बो लेके आया आऊँ लेकिन ये यूनिक कॉम्बो से क्लाइंट क्लाइंट तो पूछेगा ना व्हाट्स इन इट फॉर मी मेरे को इससे क्या फ़ायदा होगा क्या रिटर्न मिल रहा है अदर देन मे बी कॉम्बो से मेरे को हो सकता है थोड़ा लिक्विडिटी बढ़ जाए मेरा या मेरा कुछ आ, फीचर्स एनहांस हो जाए मेरा बट वाट इज द रिटर्न दैट आई एम गेटिंग एट द एंड ऑफ द डे सी आज जमाना सोशल मीडिया के वजह से इन्फॉर्मेशन hmm. का कोई डेल्यूज नहीं है कोई कमी नहीं है सो so, इन्फॉर्मेशन तो हमारे क्लाइंट्स के पास है तो लास्ट में वही क्वेश्चन आएगा भाई मेरे को रिटर्न क्या दोगे आप कॉम्बिनेशन तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो हमको जो पिच करने का तरीका नहीं ये बदलना पड़ेगा फंडामेंटली हाउ इंश्योरेंस इज सोल्ड दैट हैज़ टू बी चेंज इफ 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 पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो वॉन्ट टू सेल एंडोमेंट पॉलिसीज एंड आई बिलीव दैट एंडोमेंट पॉलिसी शुड भी सोल्ड एंड मस्ट बी सोल्ड फॉर वन सिंपल इवन दो आई एम नॉट इन टू सेल्स नाउ फॉर वन सिंपल रीजन जनरली लोग जब बिकॉज uh, डेट कोई ये नहीं बोलता कि डेट एलोकेशन नहीं होना चाहिए फाइन देर आर ओनली थ्री एसेट्स जो एक इंश्योरेंस एडवाइज़र को मालूम होना चाहिए इक्विटी डेट और रियल एस्टेट तीन ही जगह मेजोरिटी मेजोरिटी क्लाइंट्स इन्वेस्ट करते हैं हालांकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के पहले दो ट्रांचेज़ ने साढ़े बारह परसेंट और चौदह परसेंट रिटर्न दिया है फाइन जिसमें से सिर्फ ढाई परसेंट जो अमाउंट रिटर्न है वो टैक्सेबल है मान लीजिए सेकेंड ब्रांच ने फोटीन परसेंट रिटर्न दिया है सोवर गोल्ड बॉन्ड की फोर्टीन परसेंट में ढाई परसेंट टैक्सेबल है बाकी का जो बचा साढ़े ग्यारह परसेंट वो टैक्स फ्री है ढाई परसेंट भी आप तीस परसेंट टैक्स पकड़ लो तो भी अप्रॉक्सीमेटली फोर्टीन पौने चौदह परसेंट का रिटर्न मिला है टैक्स फ्री विच बीट्स निफ्टी निफ्टी ने या बेंचमार्क सेंसेक्स ने पिछले बीस सालों में बारह परसेंट रिटर्न दिया है सोवर गोल्ड बॉन्ड के दोनों ट्रांचेस जो अभी तक मैच्योर हुए फर्स्ट ट्रांच नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में फर्स्ट ट्रांस मैच्योर हुआ था गोल्ड बॉन्ड का सेकंड ट्रांस मैच्योर हुआ है फेब्री ट्वेंटी फोर में दोनों ने रिटर्न दिया है साढ़े बारह परसेंट का और चौदह परसेंट का विच मीज देटन इन निफ्टी दे देव बिटन द बेंच मार्क तो हम लोग को ये सब सीखना पड़ेगा क्या कि एडवाइजर्स को एजेंट्स को डेवलपमेंट ऑफिसर्स को कि एक तरफ तो हम शिकायत करते हैं कि भाई हमको एच पॉलिसी नहीं ले रहा है हमसे प्रोडक्ट नहीं ले रहा है हमको, हमको रेफरल नहीं दे रहा है दूसरी तरफ हम नया नया चीज़ सीखने दें नए न्या नए प्रोडक्ट सीखने दें और हमको मैं मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इंश्योरेंस एडवाइजर को सोवेन गोल्ड बॉन्ड बेचना है लेकिन आप पोर्टफोलियो बेचना चालू कर दो ना बिकॉज आपका क्लाइंट वैसे भी रियल इस्टेट में पैसा डाल रहा है आपका क्लाइंट वैसे भी गोल्ड खरीद रहा है और फिजिकल गोल्ड खरीद रहा है या डिजिटल गोल्ड खरीद रहा है आपका क्लाइंट वैसे भी इक्विटी में पैसा डाल रहा है चाहे डायरेक्ट डाल रहा है या म्यूचुअल फंड के थ्रू डाल रहा है आपका क्लाइंट और भी जगह आज ट्रेडिंग में ही बहुत गड़बड़ चल रहा है ट्रेडिंग इंडस्ट्री में 99 परसेंट लोग पैसा गवा रहे हैं तो आपका क्लाइंट तो हर जगह पैसा डाल ही रहा है तो आप क्यों नहीं पोर्टफोलियो बेचना चालू करते हो क्यों खाली इंश्योरेंस की बात करते हो सी आप जब इंश्योरेंस सिर्फ बेचते हो तो आपको जनरली क्लाइंट कितना देता है उनके ग्रॉस इनकम का या नेट इनकम का टेन परसेंट मैक्सिमम दैट इज मैक्सिमम तो जब आपको उतना ही मिलना है तो क्यों ना आप ऐसा प्रोसेस बनाओ सेल्स का कि जिसमें इंश्योरेंस का नाम लिए बिना इंश्योरेंस बिक आपका बिना नाम लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट का नाम ही नहीं लेना है जिक्र नहीं करना और आपको जो प्रोडक्ट बेचना टेकिंग नेम ऑफ इंश्योरेंस विदाउट टॉकिंग ऑफ एनी कंपनी फॉर दैट मैटर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स कंपनीज पुट टुगेदर सो so, वो सब प्रोसेस वो सब मेथड सीखना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली लोग अभी भी वही पुराना घिसा पिटा तरीका में कर रहे हैं और जबकि हमें अभी मैंने कम से कम साठ घंटे का ऐसा मॉडल बनाया है जिसमें आप पर्सनल फाइनेंस के ऊपर लगातार बात कर सकते हैं क्लाइंट के सामने सिक्सटी आवर्स हाँ अगर कोई क्लाइंट आपके सामने बैठ जाएगा ना अच्छे से अच्छा क्लाइंट उसको आप जिसको सेल्स के भाषा में बोलते हैं आई एम सॉरी टू यूज़ दिस स्लैंग बोतल में उतारने वाली बात हूँ तो तो आप बोतल में उतार सकते हो अगर आप ये साढ़े घंटे का पर्सनल फाइनेंस सीख लो तो है ना पर्सनल फाइनेंस पर सब कुछ आता है एंड इंश्योरेंस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ पर्सनल फाइनेंस एक बार हमने ये पर्सनल फाइनेंस का स्टोरी समझ लिया सीख लिया तो इंश्योरेंस बेचना हमारे लिए हमारे एजेंट्स के लिए और फिर कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट हो ना एंडोमेंट प्रोडक्ट बेचना हलवा हो जाएगा प्रॉब्लम इस वक्त के साथ लोग बदल नहीं रहे अभी भी सर प्रोडक्ट ले लो सर ये प्रोडक्ट नहीं लेना कोई बात नहीं सर ये प्रोडक्ट के साथ ये कॉम्बिनेशन ले लो बात वही है प्रोडक्ट या प्रोडक्ट कॉम्बो घूम फिर के बात वहीं आके सिमट जाती है कि मैं प्रोडक्ट ले लो तो जब तक हम प्रोडक्ट्स लेना देंगे ज़माना देखिए ये सब चलता था पहले पहले क्यों चलता था क्योंकि बाकी सारे प्रोडक्ट्स नहीं थे सोवरन गोल्ड बॉन्ड नहीं था अब अब देखिए सेबी ने लास्ट वीक में क्या किया दस दिन पहले अप्रॉक्सीमेटली एप, एक नया प्रोडक्ट ले आया उसका नाम है एस एम रीट स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अब फ्रैक्शनल रीट क्या बोलता है कि आपको पाँच करोड़ का फंड होना ज़रूरी नहीं है आप पचास करोड़ के फ़ंड से चालू कर सकते हैं इन्वेस्टर को अगर फ्लैट खरीदने की कैपेसिटी नहीं है बट स्टिल यू वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि मेरे को इक्विटी में ज़्यादा पैसा देखिए अभी क्या धारणा बन गया है मार्केट में कि इक्विटी बीट्स ऑल ऑल एसेट क्लासेस इट इज रॉन्ग इट इज़ अ मिथ और ये मिथ क्रिएट करने के लिए आई सल्यूट दी दी कैंपेन म्यूचुअल फंड सही है नहीं। क्योंकि नहीं। वो कैंपेन ने ऐसा किया है कि लोगों को वो बोलते हैं ना सौ बार एक किसी आदमी को बोलो यार तुम बेवकूफ़ हो तुम बेवकूफ हो तुम बेवकूफ़ हो तो उसको लगने लग कभी सोचने लगता शायद मैं बेवकूफ़ वाकई मैं बेवकूफ़ हूँ क्य यार क्योंकि सभी लोग तो बोल रहे हैं मैं बेवकूफ़ हूँ सौ आदमी मुझे बोल चुके हैं सौ दफ़ा बोल चुके हैं कि मैं बेवकूफ़ तो मैं एक बार सोचने लग जाता हूँ यार मैं वाकई तो बेवकूफ़ नहीं हूँ जबकि रियल एस्टेट कमर्शियल रियल एस्टेट गिव्स मोर रिटर्न देन इक्विटी मैंने आपको सोवेंट गोल्ड बॉन्ड का बता दिया चौदह परसेंट रिटर्न दिया ट्रांस टू ने ट्रांस वन ने साढ़े बारह परसेंट का रिटर्न दिया मतलब निफ्टी को और सेंसेक्स को बीट किया है इक्विटी को बीट किया सेकेंड दूसरा जो क्लास जो इक्विटी को बीट करता है अभी लोग अनफॉर्चुनेटली डेवलपमेंट ऑफर एजेंट आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग देर ऑल इन कम्फर्ट जोन नाइनटी नाइन परसेंट ऑफर इन कम्फर्ट जोन फ्रैक्शन रियल अभी अगर आप कमर्शियल रियल एस्टेट में जानते हो तो रिटर्न इज फोर्टीन फिफ्टीन परसेंट कमर्शियल रियल एस्टेट में आज से नहीं जमाने से मुद्दत से रिटर्न कितना मिल रहा है इन्वेस्टर को चौदह पंद्रह परसेंट अब एक प्रॉब्लम खाली उसमें आता था कि थोड़ा मोटा पैसा डालना पड़ता था दस बीस करोड़ से चालू करना पड़ता था रीट में अब वो भी प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्व कर दिया पंद्रह दिन पहले सेबी ने से भी क्या बोलती है अभी हम ऐसे में रीट लेके आए स्मॉल एंड मीडियम रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आप दस लाख रुपये से इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं आपके पास पचास करोड़ नहीं है दस करोड़ नहीं है एक करोड़ नहीं है नो no प्रॉब्लम लेकिन आप रियल स्टेट का आनंद लेना चाहते हैं आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट रहना चाहते हैं आपको रियल स्टेटेटेटेट अच्छा अच्छा लगता है आपको रियल स्टेट में ये भी लगता है कि रिटर्न फ्यूचर में अच्छा आएगा फाइन और रिटिन रियल स्टेट में रिटर्न अच्छा ही आएगा सिंपल रीजन इंडिया इज यंग कंट्री सभी का एस्पिरेशन होता है मैं कितना भी पैसा कमा लू मैं में जब घर जाऊंगा तो वाइफ यार, यार, पास पचास करोड़ है घर में रहेंगे no matter, आप देखो आज एंड प्रीमियम रियल एस्टेट में कोई मंदी का असर नहीं है दे आर सेलिंग लाइक हॉट के गुडेज कमिंग टू मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि कमर्शियल रियल एस्टेट में रेंटल नौ टका है और प्रॉपर्टी का एप्रीशियशन पांच से छह परसेंट मतलब है मुद्दत से दे रहा है अच्छा अब एस ए ने यह प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया क्या कि आपको मोटा पैसा नहीं चाहिए दूसरा एस एबी ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया मालूम है ऐसे रिट से और मैं चाहता हूँ कि ये ना सब लोगों को मालूम पड़े ऐसे एमरिट से दूसरा प्रॉब्लम क्या सॉल्व किया एस ए ने लिक्विडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सबसे पहले तो टिकट साइज का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तुम्हारे पास दस करोड़ नहीं है नो प्रॉब्लम बस एक करोड़ नहीं है नो प्रॉब्लम तुम्हारे पास दस लाख है दस लाख में से हम तो रियल इस्टेट चालू कर सकते हो इन्वेस्टमेंट दूसरा प्रॉब्लम क्या सॉल्व इस मीनस टिकट साइज छोटा कर दिया वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया अभी मिडिल क्लास का आदमी भी रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है दूसरा प्रॉब्लम क्या दिया ऐसे भी नहीं सॉल्व कर दिया लिक्विडिटी का चैलेंज खत्म कर दिया क्योंकि रियल एस्टेट में लोग ये इस चीज़ से भी डरते थे यार पैसा डाल तो देंगे मकान खरीद तो लेंगे प्रॉपर्टी खरीद तो लेंगे ऑफिस खरीद तो लेंगे लेकिन बेचने जाएंगे तो भाव नहीं मिलेगा अभी से बी ने ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया सेबी ने ऐसे में में क्या कहा है इट विल बी लिस्टेड लाइक इक्विटी है तो तुम किसी भी दिन खरीद सकते हो किसी भी दिन बेच सकते हो मतलब इक्विटी का प्रॉब्लम सॉल्व तीसरा प्रॉब्लम जो सेबी ने सॉल्व किया ये, ये सर्कुलर के थ्रू अनफॉर्चुनेटली लोग बोलते हैं मार्च में बिजी हो सर कहाँ टाइम है सर उठाने का यार ऐसे मेहनत करोगे तो स्मार्ट वर्क कैसे कर पाओगे है ना चौबीस घंटा अगर सर नीचे रहेगा और ब्रांच में बैठ के बी चेक करेंगे और प्रपोजल चेक करेंगे और एजेंट्स का इनकमिंग कॉल अटेंड करेंगे क्यों एजेंट तुमको फोन करता है यार इंडिपेंडेंट बनाओ यार क्यों फोन करता है कोई भी एडवाइजर तुमको फोन क्यों करे मेरे को बाईस साल हो गए सर मैं तो अभी बी लिया पंद्रह मार्च को दो हजार में बट उससे पहले भी मैं बाईस साल से ब्रांच नहीं जाता हूँ कोई एजेंट मेरे को दिन भर मेरे को आप मेरे साथ आप मेरे साथ बैठे रहो दिन भर चौबीस घंटे में शायद दो तीन फोन आते हैं चौबीस घंटे में और वो भी कुछ सोशल फोन होते हैं काम के फोन तो शायद एक दिन में एक बार एक फोन आता है मेरे को हुँ, हुँ, एक दिन में एक बार और मेरी टीम कैसे ग्रो करती रही फिर तो वर्चुअल मॉडल खड़ा करना है बट एनी कमिंग बैक टू दिस यू नो कमर्शियल रियल एस्टेट में भी तो पहला टिकट साइज का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया लिक्विडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया अब तीसरा चीज़ क्या चाहिए लोगों को टैक्स कम लगना चाहिए राइट आपको थर्टी परसेंट वाला प्रोडक्ट चाहिए कि टेन परसेंट वाला प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे एजूमिंग कि दोनों का रिटर्न सेम है क्या करेंगे आप थर्टी परसेंट टैक्स की बात कर रहे हैं आप थर्टी परसेंट टैक्स देखो तो आपको मैं दो प्रोडक्ट का भी ऑप्शन देता हूँ पहला एक प्रोडक्ट है जिसमें बारह परसेंट रिटर्न है जो निफ्टी है बेंसमार्क सेंसेक्स दूसरा प्रोडक्ट है जो फोर्टीन परसेंट रिटर्न देता है फ़ाइन मैं बोलता हूँ कि मेरे कमर्शियल रियल इस्टेट में आपको सेबी ने भी क्या किया ना तीसरा चीज़ उसमें क्या डाल दिया सर्कुलर में इट विल बी अगर आप एक साल के अंदर बेचते हैं तो इट विल बी कंसिडर एट शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड विल बी टैक्स एट फिफ्टीन परसेंट सिर्फ पंद्रह परसेंट लॉन्ग टर्म बेचते हैं मतलब एक, एक साल के बाद आप बेचते हैं तो दस परसेंट टैक्स इट इज टैक्स एफिशियंट इट इज़ इज अवेलेबल इन स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ टेन लैक्स लिक्विडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया बिकॉज इट विल बी लिस्टेड एंड यू कैन सेल एंड बाय एनी टाइम एनी डे तो विच मीनस अभी ये सब ज्ञान लेके जब तक हमारे एडवाइजर्स और डेवलपमेंट ऑफिसर्स क्लाइंट के पास नहीं जाएंगे और फिर रोएंगे कि यार मेरा बिजनेस घट रहा है मेरे को मालूम नहीं क्या हो रहा है मेरा एजेंट लोग काम नहीं कर रहा है या मेरा खुद का बिजनेस घट रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मार्केट में बिकॉज पैर के नीचे से पूरी की पूरी ज़मीन खसक गई अभी भी लोग समझ गए कौन से दुनिया में लोग रहे मैं आई वंडर यार ये लोग आई एम सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल यू नो कि भाई इतना आप रूटीन में और ऑपरेशन में घुसे रहोगे तो आप क्रिएटिव थिंकिंग के लिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मैं तो बोलता हूँ आउट ऑफ द बॉक्स कि अभी बॉक्स को तोड़ो यार we don't even need to think out of the box now we should demolish the box itself now the time has come for the participants of insurance industry mutual fund industry and all industry you know or mutual fund bhi paradigm ka shikar hai kuch paradigms mutual fund mein bhi aane wale hai main us pe bhi baat karunga ki बहुत सारे paradigms है जो मैं एज एन आउटसाइडर अभी देख रहा हूँ मैं जब से नौकरी छोड़ा हूँ वी आर एस लिया हूँ मुझे पहले भी मैं सोचता था बट पहले मैं कमेंट नहीं करता था बिकॉज एज अ इनसाइडर पार्टिसिपेंट मेरे को मेरे कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे अब मैं देखता इन लोग बेचारे मैं नहीं बोलूंगा तो ये बेचारों का नुकसान होगा है ना mm. और बेचारा इसके लिए बोलता हूँ नॉट बिकॉज दे आर बैड दे आर पुअर नॉट बिकॉज फॉर नॉट फॉर मॉनिटरी रीज़न्स हैं बट बिकॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल रीजनस है नो कि पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग टाइम मनी एंड एनर्जी टाइम मनी एंड एनर्जी इन अपग्रेडिंग दर स्किल्स नॉलेज एनहेंस विजडम है नो एंड यही वजह है जो आने वाले दिनों में जो आपने बदलाव का बात कहा है ना कि बदलाव से नुकसान होगा अगर हम वक्त के साथ कदम नहीं मिलाएंगे और ये पुराना ये जो ये जो मैं आपको स्टेटमेंट बोला हूँ वक्त के साथ कदम मिला के चलने वाली बात ये आज से नहीं हम मुद्दत से सुनते आ रहे हैं लेकिन खाली सुनते आ रहे हैं क्या हम इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट कर रहे हैं कितने लोगों को सोव एंड गोल्ड बॉन्ड के बारे में बात कर सकते हैं क्लाइंट के पास कितने लोग स्मॉल एंड मीडियम रीट के बारे में क्लाइंट के सामने बात कर पाएंगे कितने लोग एसेट एलोकेशन पर एक घंटा बात कर सकते हैं एक घंटा एन एपलडे किस डॉक्टर में ये बात नहीं कर रहा करूँगा एसेट अलोकेशन पे एक घंटा कितने लोग बात कर सकते हैं कितने लोग पर्सनल फाइनेंस के 50 अलग अलग स्ट्रैटेजी अपने क्लाइंट को दे सकते हैं पर्सनल फाइनेंस की जिसमें इंश्योरेंस एक हिस्सा होगा विच मीन इंश्योरेंस सेल्स ऑटोमेटिकली विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ इंश्योरेंस इंक्लूडिंग एंडोमेंट प्लान ऑफ LIC और एनी एनी कंपनी फॉर दैट मैटर इवन इंक्लूडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एंडोमेंट प्लान बिना प्लान का नाम लिए बिक सकता है बट कितने लोगों के पास 50 स्ट्रैटेजी है पर्सनल फाइनेंस की ये बेचने के यही वजह है जो मेजोरिटी लोग सफर कर रहे हैं तो यही है रंजीत जी की अभी हमको वक्त के साथ सिर्फ बोलना नहीं है कि बदलना है एक्चुअल बदलना पड़ेगा वील हैव टू गेट इनटू एक्शन मोड और ये जितने भी मैंने सजेशन दिए कुछ सी के लिए इंश्योरेंस कंपनीज के और कुछ इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स जैसे एडवाइजर्स हैं डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स है, है, है ये सब अगर करते हैं तो इंश्योरेंस बेचना अभी भी उतना ही आसान होगा जितना म्यूचुअल फंड बेचना सो so, अनिल जी जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि एक डेवलपमेंट ऑफिसर या एक कोई प्लेयर जो गेम के अंदर है वो जो उसकी कमियां है वो अंदर है कि नहीं बता सकता क्योंकि यू नो काफ़ी सारे चीज़ों से बंधा होता है लेकिन आप क्योंकि अब गे, गेम के बाहर हैं तो वो सारी चीज़ें जो आपके आपकी समझ में है वो आप थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं थोड़े समराइज़ पॉइंट ऑफ व्यू आपने बताया कि यू नो इंश्योरेंस कंपनी को जो है कुछ उस तरीके से वर्क करना होगा जिस तरीके से म्यूचुअल फंड कंपनीज वर्क कर रही है और इंश्योरेंस एजेंट्स को प्लान कॉम्बिनेशन से थोड़ा आगे जाके एसेट एलोकेशन पे काम करना होगा जो कि आज के समय की नीड है और बदलते समय की ये जरूरत है अभी एसेट एलोकेशन में पुराना कंसेप्ट हो गया आज से इक्कीस साल पहले मैंने अपने एजेंट्स को ट्रेनिंग दिया था कि आप एसेट एलोकेशन पे माल बेचो या प्रोडक्ट बेचो बिकॉज तभी एंडोमेंट बेचना बहुत डिफिकल्ट हो गया था एंडोमेंट बेचना इसके लिए डिफिकल्ट हो गया था बिकॉज अगर आपको टू से लेकर टू का दशक याद हो वो डिकेड वो टिकेट में क्या कर रहा था गोल्ड ने उन्नीस परसेंट का सी रिटर्न दिया था फ्रॉम 2001 थाउजेंड टू टू फाइन रियल एस्टेट एक तरफा चल रहा था हर दो तीन साल में भाव डबल हो रहा था प्रॉपर्टी प्राइजेस इक्विटी मार्केट वॉज ऑन इंडिया का बिगेस्ट बुल्डन इंडिया का बिगेस्ट बुल्डन हैपन फ्रॉम टू फाइन अप्रॉक्सीमेटली जून 2003 में चालू हुआ और जनवरी 2008 में खत्म हुआ विच मीन्स ऑल दी एसेट क्लासेज वर आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल है ना एक्सेप्शनली वेल एंड इन दोज डेज डेट का रिटर्न सबसे कम था इनफैक्ट फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न घट के हो गया था तभी साढ़े चार पाँच परसेंट यू नो वो दशक में आ, भले वो दो तीन साल के लिए हुआ था विच मीन्स एल आई सी पॉलिसी बेचना वो प्रैक्टिकली इंपॉसिबल इन दो डेज वैन आई वॉज अ डेवलपमेंट ऑफिसर वर्किंग विथ एल आई सी और एंडोमेंट प्रोडक्ट बेचना था क्योंकि हमारी तो रोजी रोटी एंडोमेंट से ही चलती थी टर्म प्लान उस जमाने में एल आई सी का प्रैक्टिकली नहीं था जो था वो भी आधा uh, अधूरा प्लान था ना उसमें दम नहीं था उतना उस प्रोडक्ट में तो तो कहने का मतलब रिटर्न इतनी अच्छा इतना अच्छा रिटर्न रियल एस्टेट गोल्ड इक्विटी दे रहा था तो मेरी मजबूरी हो गई थी ऐसे एलोकेशन से क्या सहारा लेके बेचना और इसको एंडोमेंट प्लान को डेट की तरह पिच करना क्योंकि हम तो क्लाइंट को ही बोलते थे भाई एंडोमेंट से आप रिटर्न इंश्योरेंस का प्रीमियम हटा दो जो आजकल सब लोग बोल रहे हैं तो इट इज़ बेटर देन जी सेक रिटर्न है ना तो आप फिर क्यों जी सेक में पैसा डालोगे या किसी क्या बोलते हैं किसी और एंडोमेंट प्रोडक्ट या किसी और डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा क्यों डालोगे बिकॉज एल में सोवरन गारंटी भी है और डेट का एलोकेशन भी आपका हो रहा है अब वो गया हो गई यह हो गई पुरानी बात अब अब पिछले कुछ दो तीन सालों से अब नया कंसेप्ट आपको उठाना पड़ेगा विच इज पर्सनल फाइनेंस तो अभी आपको एसेट एलोकेशन इज नाउ अ पार्ट ऑफ पर्सनल फाइनेंस ओके सो वी लेव टू अंडरस्टैंड कम्प्लीट बास केट ऑफ पर्सनल फाइनेंस की पर्सनल फाइनेंस में आता क्या है तो पर्सनल फाइनेंस में क्या नहीं आता ऐसा पूछिए आप उल्टा हो गया विच इज ऑल दी एसेट्स तो आपको सबसे पहले सारे एसेट क्लासेस समझने पड़ेंगे कि कौन कौन सा एसेट्स हैं और क्या क्या रिटर्न दिया इन्होंने इनकी क्या क्या आदर? अच्छा खाली रिटर्न पर भी आप नहीं बेच सकते आप 80 साल के आदमी को ये नहीं बोल सकते इक्विटी में 18 परसेंट का रिटर्न नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए सो मच ऑफ मनी दैट यू नो कि वो कंपोनेंट इक्विटी में डालने से और वो जीरो होने से भी फर्क नहीं पड़ता जैसे वॉरेन बुफेट बोलते हैं इक्विटी में उतना ही पैसा डालो कि दस साल तक भी मार्केट बंद हो जाए तो तुम्हारा रात का नींद और दिन का चेंज नहीं गायब होना चाहिए तो अभी अभी एसटोलोकेशन से हमको ग्रो करके पर्सनल फाइनेंस पर आना पड़ेगा तभी जाके हमारा बिजनेस इंप्रूव होगा हमारा ग्रो होगा चाहे एजेंट हो नहीं जब तक एडवाइजर्स का बिजनेस नहीं बढ़ेगा बिजनेस नहीं बढ़ेगा तो अगर हम अभी अगर बिजनेस ग्रो कराना है तो हमको पर्सनल फाइनेंस का पूरा ट्रेनिंग हर एडवाइजर को हर डेवलपमेंट ऑफिसर्स को हर यूनिट मैनेजर को देना पड़ेगा इफ दे ग्रो दिन ऑटोमेटिकली ग्रो गया बहुत बढ़िया so, जमाना कुछ ऐसे बदल गया है कि अब एक इंश्योरेंस एजेंट को जो कि आगे चल के फाइनेंशियल एडवाइजर बना अब उसे पर्सनल फाइनेंस की पर्सनल फाइनेंस पर काम करने की जरूरत बहुत बढ़िया तो ये जो बदलाव की बातें अनिल जी आपने बताई ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है और एक इंश्योरेंस एडवाइजर को फाइनेंशियल एडवाइजर को सोचने पर मजबूर करेगी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अनिल जी